स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस व्हिच इज कम इन द एग्जामिनेशन जेईई एग्जामिनेशन 2021 राइट टॉपिक इज डिटरमिनेंट सो हियर इफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 पाई Then the system of equations, 3 equation आपको दे रखी है, has no solution, infinite many solution, exactly 2 solution and a unique solution. So, यहाँ पर आप d की value find out करो सबसे पहले, तो यहाँ coefficient x का क्या है 1, यहाँ coefficient क्या है y का cos gamma और z का coefficient cos beta, right? Similarly यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos gamma 1 cos alpha cos beta cos alpha और 1 right so ये तो आ गया आपके पास d ठीक है क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है alpha plus beta plus gamma is equal to 2pi दे रखा है 2pi ठीक है अब इसको expand करें आप ठीक है बच्चों इसको क्या करें expand करें तो 1 और ये मिलेगा आपको 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos गामा ये हो जाएगा cos गामा माइनस cos अल्फा cos बीटा ठीक है प्लस cos बीटा इनटू cos अल्फा cos गामा माइनस cos ऑफ बीटा राइट सो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा ठीक है उसके बाद प्लस cos स्क्वायर गामा ठीक है और ये आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा प्लस का ये तो माइनस का आएगा और ये प्लस का आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा cos गामा ठीक है ना साइन का ध्यान रखना है यहां पर ये तो हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और फिर ये हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर गामा राइट और आगे ये चल करके ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा नाउ ये कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा अगेन ये आया आपके पास प्लस का तो ये इसको ट्वाइस कर दो ठीक है ना उसके बाद आएगा माइनस का कोस स्क्वायर बीटा ठीक है तो ये टर्म बनी है आपके पास ठीक है बच्चों ये टर्म बनी है आपके पास ठीक नाउ इसको हम करेंगे थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की कोशिश इस और इसको आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हो ठीक है तो साइन स्क्वायर गामा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा होता है तो इसको हमने ऐसे लिख लिया माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इसको एक साथ कर लिया हमने ठीक है अब उसके बाद 2 कोस अल्फा कोस बीटा ये फॉर्मूला होता है कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा ठीक है इसका फॉर्मूला खोल दिया 2 कोस अल्फा कोस बीटा का और कोस गामा इधर आगे लगा दिया ठीक है बच्चों अब ये 3 टर्म तो शुरू की एज इट इज लिख दो साइन स्क्वायर गामा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा ठीक है अब यहां से अल्फा प्लस बीटा दे रखा है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया 2 पाई माइनस गामा के इक्वल हो गया तो कोस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोस 2 पाई माइनस गामा के इक्वल हो जाएगा 2 पाई यहां आता है और 2 पाई माइनस गामा ये किसके इक्वल हो जाएगा cos गामा के इक्वल हो जाएगा
ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस गामा लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, और इधर कोस गामा। तो इस कोस गामा से इस कोस गामा को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर गामा प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा कोस गामा। अब ये और ये टर्म मिलकर के क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी। तो बीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आगे चलो आप। ये है कोस अल्फा माइनस बीटा और कोस गामा को लिख लेंगे कोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, क्योंकि कोस गामा किसके इक्वल है, कोस अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, तो कोस गामा की जगह हमने लिख दिया कोस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये दोनों मिलकर के आपका क्या बनेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा बन रहा है माइनस कोस स्क्वायर बीटा बन रहा है, ठीक है, यही आ जाएगा। और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो हमने अप्लाई कर दिया, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो यहां पर आपका डी था, ये बीटा लिख दिया गलती से हमने, ये डी था, ठीक है, डी चल रहा था ना, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता लगा इसका आंसर, कि डी यहां पर जीरो है। अब डी यहां पर जीरो है, उसका क्या मतलब हो गया कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे। सो ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर आप डी वन डी टू डी थ्री भी देखोगे तो वो भी क्या आ रहा है, यहां पर जीरो आ रहा है, क्योंकि ये वाली टर्म्स आएंगी, और एक अगर कॉलम आपका जो है जीरो हो जाता है, तो ये तीनों भी आपकी क्या हो जाएंगे, जीरो के इक्वल हो जाएंगे। तो जब डी जीरो होता है और ये वैल्यू भी सारी जीरो होती है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तीन आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है। लेट एस वन बी द सेट ऑफ ऑल ए, ए बिलोंग्स टू आर, फॉर विच द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट की बात करिए यहाँ पर, और एस टी इज द ऑल सेट From A belongs to R, system is infinite many solution. If n s1 and n s2 the number of element in s1 s2, then कौन सा ऑप्शन इन चारों में से आपका सही है। तो सबसे पहले डेल्टा निकालो या डी निकालो, ठीक है। तो माइनस वन वन टू थ्री माइनस ए फाइव टू माइनस टू माइनस ए, इससे आपका क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा या डेल्टा निकल जाएगा। डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट या डी, है ना, ये डिटरमिनेंट ऑफ निकाल करके देखें आप यहाँ क्या आ रहा है, माइनस वन ए स्क्वायर प्लस टेन माइनस वन माइनस थ्री ए माइनस टेन प्लस टू माइनस सिक्स प्लस टू है। सिंपल डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करा हमने यहाँ पर, और यहाँ हमको मिला माइनस ए स्क्वायर प्लस सेवन ए माइनस ट्वेल्व, और माइनस अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पर, तो ए स्क्वायर माइनस सेवन ए प्लस ट्वेल्व आपको मिला। अब इसके भी फैक्टर आप कर लो, तो इसके अगर हम फैक्टर कर लें तो माइनस ऑफ माइनस ए ए माइनस थ्री ए माइनस फोर आपको यहाँ पर मिल रहा है,
ठीक है, तो ये तो आपको मिल गया डेल्टा। सिमिलरली आप यहाँ पर डेल्टा वन निकालो, तो 0 1 2 1 -A 5, 7 -2 -A आपका यहाँ पर आ रहा है। चेक कर लो यहाँ से, 1 1 -1 1, मतलब 0। ये इसको आप जब D1 निकालोगे तो ये वाली टर्म लोगे ना फर्स्ट रो में, 0 1 और 7, फर्स्ट रो नहीं कॉलम में, 0 1 और 7, राइट। उसके बाद आपकी यहां पर आ जाएगी 1 -A, ये 1 यहां से आ जाएगा, -A आ जाएगा, माइनस का 2 यहां पर आ जाएगा, और 2 5 -A यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट की दोनों रो तो सेम रहती है, और ये जो यहां पर लिखी हुई थी 0 1 7, ये फर्स्ट कॉलम में आ जाता है, तो वो क्या बन जाता है आपका डेल्टा वन, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, ये चीज आपको याद रखनी है क्रेमर रूल के अकॉर्डिंग। ये वाली चीज क्या है, सेकेंड और थर्ड रो तो आपको सेम रखनी है, और फर्स्ट रो की जगह आपको क्या लेना है, ये वाले नंबर लिखने हैं 0 1 और 7, इससे डेल्टा वन आपको मिलेगा, ठीक है। तो डेल्टा वन आप निकालो, तो ये हमने निकाला इसको एक्सपेंड करके 15A + 31, ठीक है। सिंपल एक्सपेंड करना आपको आता है, तो उसको हमने नहीं निकाला, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो आपने डेल्टा निकाल लिया और डेल्टा वन निकाल लिया। अब आपको यहाँ पर बोल रहा है कि इनकंसिस्टेंट है साहब ये, तो इनकंसिस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, फॉर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट की बात करेंगे तो इनकंसिस्टेंट के लिए डेल्टा जो है 0 होता है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ए या तो 3 आ जाएगा, ए या फिर 4 आ जाएगा। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी या तो 3 आएगी या फिर 4 आएगी, ठीक है। एंड 4 A = 3 एंड 4 Δ1 ≠ 0, सो एन ऑफ S1 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपके क्या होंगे, दो ही एलिमेंट होंगे। अब आप यहां पर चेक करोगे, जो डेल्टा वन निकाला है आपने, 3 और 4 यहां लिखोगे तो डेल्टा वन जो है नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन यही रहती है कि कोई भी एक Δ1, Δ2 या Δ3 में से आपका क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने ए की वैल्यू 3 और 4 के लिए चेक करा, Δ1 ≠ 0 है, तो यहाँ पर NS1 जो है उसके लिए हमारे पास क्या था, A belongs to R था, तो ए की यहाँ पर दो वैल्यू हैं, एक तो 3 है और एक 4 है, तो उन्होंने यही बोला था NS1 यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए इन सेट वन S1 ≠ 2। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है या फिर 4 है, तो यहाँ पर आपको नंबर बताना है कि उस सेट में कितने वैल्यू है ए की, तो 2 वैल्यू है, ठीक है। तो NS1 आपका 2 आ गया। अब ऑप्शन चेक करो, एक तो इसमें एक है तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल, इसमें 0 है तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल, फर्स्ट और 3 में से आपका आंसर होगा। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन वाली आपको चेक करनी है। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, उसके लिए आपका डेल्टा तो 0 होना चाहिए, Δ1, Δ2 और Δ3 भी आपका 0 होना चाहिए। अब यहाँ Δ1 तो 0 है ही नहीं, इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन इसका आंसर नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट कितने होंगे NS2 में, 0 एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, 0 एलिमेंट, यानी कि ये ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। 3 ऑप्शन कटने के बाद ऑप्शन 3 जो है वो पता लगा कि आपको करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, इनकंसिस्टेंट की कंडीशन यानी कि डेल्टा 0 होना चाहिए और Δ1, Δ2, Δ3 में से कोई भी एक जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
तो वो होती है इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। तो डेल्टा आप यहाँ पर निकाल लो, 3 - 2 - k, 2 - 4 - 2, 1 - 2 - 1, ठीक है। इसको जीरो के इक्वल करना है तो k की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी यहां से। तो यहां से आपको एक्सपेंड करने के बाद आपको k की वैल्यू मिल रही है 3, ठीक है ना बच्चों। इसको एक्सपेंड करना आपको आता है डिटरमिनेंट को, तो वो हम यहाँ नहीं बता रहे, हमने इसको कैलकुलेट करके बता दिया कि k की वैल्यू जो है आपकी 3 है। अब आपको निकालना है नेक्स्ट डेल्टा वन। तो डेल्टा वन कैसे निकालोगे, 10 6 5 m यहाँ लिखोगे, 10 6 5 m, और सेकंड दो कॉलम आपके एज इट इज रहेंगे जो यहां पर थे, ठीक है। तो वो यहां पर आप लिख लो और k की वैल्यू उसमें पुट कर देना आप। तो -2 - 4 - 2, ये तो सेम था, और इसके आगे था माइनस के, तो k की वैल्यू 3 है तो ये -3 हो जाएगा, -2 और -1 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड करा तो 3 - 6 + 10 m, माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस 10 × 0 - 3 - 10 m -6, ठीक है। एक्सपेंड किया, यहां से डेल्टा वन आपको मिला, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा से करते हैं हम। डेल्टा वन को ये आ रहा है आपका 10 × 8 -2 ऑफ -10 m +6 -3 × 12 + 20 m, राइट। इसको एक्सपेंड करा, इसको एक्सपेंड करने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ रहा हमारे पास 8 × 4 - 5 m, ठीक है। देखो एक्सपेंड कैसे करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं, इस 10 को यहाँ पर लिखा, ये आया 4 + 4 तो ये 8 हो गया। फिर -2 को लेंगे, -2 यहाँ लिखा, फिर इस रो और इस कॉलम को, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 6 × -1 तो प्लस का 6 और ये प्लस माइनस का 10 m आ गया, ठीक है। उसके बाद -3 ये वाला, फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 + 20 m, राइट। इसको ऐड वगैरह करा और सॉल्व करा तो हमारे पास ये आ गया। अब हम जानते हैं डेल्टा वन नॉट इक्वल टू 0 होगा इनकंसिस्टेंट के लिए, सो यहां से आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी -5/4, m नॉट इक्वल टू -5/4। तो अब यहां देखो a की वैल्यू 3 और ये 4/5 आ रहा है ना, एक सेकेंड, हाँ ये क्या आ जाएगी, 4/5 ही आएगी, ठीक है, 4/5, ठीक है ना। इसको जीरो के